नमस्कार साथियों, इस समय आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीच सारा यूट्यूब चैनल, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर बात करेंगे, बहुत से हमारे विद्यार्थी टेलीग्राम पर मेरे पास बहुत सारे एंट्री सर्टिफिकेट भेज रहे हैं, पूरे भारत से, कोई राजस्थान से, दिल्ली से, उत्तराखंड से, क्या पता कहां कहां से, और हरियाणा वालों के सर्टिफिकेट तो बहुत दूर दूर गूंज रहे हैं, ठीक है ना। तो वही यहां पर बात करेंगे जो एनटीटी की अभी चंडीगढ़ में भर्ती आई थी, आपको पता वहां पर मांगा गया है एनसीटीई अप्रूव, यानी कि आप जो आईएसओ एनसीटी कर रहे हो वो वहां पर अलाउ मान्य नहीं रहेगा। कई भाइयों का सवाल आता है क्या हरियाणा में भर्ती आने वाली वहां पर हमारे पास एक साल का सर्टिफिकेट है, क्या वो चलेगा? तो भाई हरियाणा के अंदर अभी भर्ती नहीं आई है, जब भर्ती आएगी उसका तभी हम बता पाएंगे। हाँ, अगर टीचर की आती है, एनटीटी की आती है, तो वहां पर भाई लगभग कहीं भी हो, हालांकि पंजाब में एक साल का मांगा गया था, चल जाए एक साल का कोई भी हो, लेकिन किसी भी राज्य में अगर भर्ती आई वहां पे दो साल का सर्टिफिकेट मांगते हैं, चाहे वो केवीएस में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आती हो या कहीं और आती हो, तो वो दो साल का मांगते हैं। ठीक है, बात आती दो साल का कहां से होता है, जो सरकार चाहती है, वो अलग अलग संस्थाएं हैं, और कई आपको मैं बता दूं, अभी बात आती चंडीगढ़ में मैंने मना कर दिया, चंडीगढ़ में एनसीटीई चलेगा इसका दो साल का, इसके बाद बीएड नर्सरी है वो चलेगा। अब बहुत से भाई कहते हैं सर ये एनटीटी दो साल का कोई हो ही नहीं रहा, तुम करें कहां से, तो लगेगा कौन वहां पर? भाई बीएड वाले नर्सरी स्पेशल है वो लग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ पोस्टें खाली रह जाती है, उनको बाद में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर दिया जाता है। वही हाल दिल्ली का है, दिल्ली के अंदर भी काफी सारी भर्तियां हर साल आती है, पोस्टें खाली रह जाती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर दिया जाता है। ठीक है, तो यही दिल्ली की बात करती है, बहुत से बच्चों की डिमांड सर दिल्ली में हमारा डिप्लोमा चलेगा नहीं चलेगा, इग्नो नहीं चलने वाला वहां पर, एनआईएस नहीं चलने वाला, क्योंकि वहां पर मांगा है 2 ईयर डिप्लोमा, तो 2 ईयर में आपके पास 2 ईयर होना चाहिए, वो भी डिप्लोमा होना चाहिए एनसीटीई। ठीक है, तो अगर आपके पास एनसीटीई है, एनसीटी नहीं एनसीटीई, तो आपका चलेगा, आपके पास बीएड है स्पेशल तो चलेगा, और कोई उसके बराबर है कोर्स दो साल का डीपीएससी वगैरह का है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आपको इंतजार करना पड़ेगा कहीं भी। और बाकी जो एनसीटी है वो आप केवीएस में चला सकते हैं, वहां पर चल जाते हैं, और काफी स्कूल है, एयरफोर्स हो गया, कहीं और स्कूल हो गए, काफी स्कूल में भर्ती आती है, वहां पर आप भी चला सकते हैं, लेकिन आपका डिप्लोमा अप्रूव इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए वहां पर, इन चीजों का आपने हमेशा ध्यान करना है। एक भाई का मेरे पास आया था बिहार से, 80,000 रुपया लोगों के भाइयों के 80,000 रुपये लिए हैं, लेकिन वही बात है, स्कूल कॉलेज का नाम दिल्ली का, उस टाइम वहां पर यूपी की, रिकॉर्ड कहीं नहीं, तो 80,000 पैसे देकर आप कहीं पर सर्टिफिकेट ले लेते हो, बनवा लेते हो, बहुत से आपको पूरा फेंकाते हैं, पूरा ताम झाम दिखाते हैं आपको, आपका एडमिट कार्ड समय पे आएगा, एग्जाम आपसे समय पे लिए जाएंगे, लेकिन लास्ट में क्या, खोदा पार्ट निकली चुकी है, लास्ट में आपको फेक सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो इसलिए हर बार कहता हूं, कहीं से भी आप कोर्स कर रहे हैं, पर पहले जान लें वहां पर ये इंस्टीट्यूट है या नहीं है, उसकी वेबसाइट है या नहीं है, वो कितनों सालों से वहां पे चल रहा है। और मैं कहता हूं 2 साल का अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट आपका 2 साल पहले वहां पे होना चाहिए। आप दाएं बाएं से पता कर सकते हो, आजकल तो फोन होता है, जानकार होते हैं, ग्रुप होते हैं, काफी बच्चे मुझे सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं, सर हमारा चलेगा नहीं चलेगा, कुछ भाइयों का रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, भाई मैं क्या करूं, जब आपने कोर्स किया तो उस टाइम रिकॉर्ड होना चाहिए वहां पे, इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और ऐसे ही बहुत से पैसे आप लगा देते हो बिना मतलब, क्या सोचते हो जो ज्यादा पैसे में करवा रहा है वो ओरिजिनल हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, फीस देखी जाती है, सेंटर की वेबसाइट होती है वहां पर फीस आपको पता चल जाती है, सेंटर के अपने रूल होते हैं। तो मैं यही कहूंगा, मेरे कहने का तात्पर्य है दिल्ली में और चंडीगढ़ में अभी जो भर्तियां हैं वहां पर एनसीटीई चलेगा, एनसीटी नहीं चलने वाला है, तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, 2 साल का कोर्स कहीं भी आप और चला सकते हैं जहां पर भर्ती आएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काफी भर्तियां आती हर साल, अभी आएगी जनवरी में, फरवरी में बहुत सी भर्तियां आएगी, वीडियो बनाता रहता हूं मैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टी सारा टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब पता चल गया दिल्ली में कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा कौन सा नहीं। अगर आप ये सर्टिफिकेट लगा देते हो एनसीटी वाला चले, तो आप सोचते हो कि हमें जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, आपको जेल नहीं होगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन जब वेरिफिकेशन आएगा वो आपसे मांगेंगे एनसीटीई का प्रमाण पत्र, वो आप नहीं दे पाओगे उनको, तो आप उस टाइम आपका डिप्लोमा इनवैलिड हो जाएगा, इनके आपका जॉब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यही राजस्थान में हाल था। अब कई भाई आपको बोलते हैं कि हमारा सेंटर का डिप्लोमा वहां पे चला है, बच्चे लग गए हैं, भाई जहां पर डिप्लोमा चल ही नहीं रहा था सब सब क्यों नहीं कह देते? तो इसलिए आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप खुद समझदार हो, कुछ टीचर हो, कोई भी कोर्स कहीं से कर रहे हो, पहले आप जान लें कि आपने कुछ फार्म उस कोर्स को चलाना कहां पर है। ठीक है, मान लो आपने एमए करनी है, आप एमए कर तो रहे हो किस सब्जेक्ट से, लेकिन आपने आगे करना क्या है, किस जगह आपने अप्लाई करना है, तो उसी हिसाब से सब्जेक्ट से आप करें। वही बात मेरा एनटीटी कोर्स को लेकर आता है, आप एनटीटी कर रहे हैं, डी
सीई जो भी कर रहे हैं, डीपीएससी वगैरह कर रहे हैं, ईसीसीई कर रहे हैं, तो पहले जहां पे आपने जाना है, जहां सर्टिफिकेट लगाना, पता करें वहां पर कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड है, ठीक है। और भाई किसी भी इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में पता करें वहां पर चीज है या नहीं है। तो 80,000 लेके भाई ऐसे बैठे हैं, और 80,000 में कुछ भी चीजें ऐसे दी जाती हैं, लेकिन कहते हैं चोर कोई ना कोई निशानी छोड़ जाता है। वो भी मेरे पास जब आती है चीजें, मैं उनका पता कर लेता हूं ये यहाँ पर कमी है, तो इसमें ये दिक्कत है। तो अगर आप भी अपना सर्टिफिकेट चेक करवाना चाहते हैं, कोई भी आपको डाउट है किसी तरह का, पूरे भारत से डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम आईडी है, आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं या मुझे टेलीग्राम ग्रुप में चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ताकि मैं आपको पर्सनल मैसेज कर सकता हूं। लेकिन भाई हेलो हाय मत लिखा करो, एक ही बार में पूरी बात आप लिखा करो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, और भारत के किस राज्य से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करना अपने राज्य का नाम, वीडियो को शेयर करना है, हंसते रहे मुस्कुराते रहें।